तो ये देखो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब अगर ब्लॉक रेस्ट से चलता है, यहाँ से एज इक्वल टू जीरो से यहाँ से चलता है ब्लॉक, तो अगर ये ब्लॉक यहाँ से चलता है और एंगल, ये एंगल इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन इज ट्वाइस द टाइम इट टेक्स लाइट ना इन द सेम एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक स्लाइड एट 45 इंक्लाइन टाइम ट्वाइस टाइम, मतलब जब फ्रिक्शन है तो वो 2 गुना टाइम लेता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। मतलब जब फ्रिक्शन वहाँ प्रजेंट है, अगर सेम इंक्लाइन प्लेन है, तो फ्रिक्शन के अपसेंट में फर्स्ट केस में इज इक्वल टू 2 टाइम्स अपसेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये बात समझ में आ रहा है। द कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड इंक्लाइन प्लेन, स्लाइड कर रहा तो ऑब्वियसली कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक ही होगा यहाँ पर, तो यह हमें कैलकुलेशन करना है। देखो अगर ए लेंथ सेम है, अगर सबसे पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या है भाई, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन यहाँ प्रजेंट है, तो फर्स्ट केस में अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एक्सलेशन कितना होता है रफ सरफेस पे, इंक्लाइन प्लेन पे, जी साइन थीटा, देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन में मैं डिराइव किया हूँ, आई होप कि ये अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो बार बार तुम्हें डिराइव नहीं करनी पड़ेगी यार, ठीक है। और वो सही भी नहीं लगता है क्योंकि हम कॉम्पिटिशन का पढ़ रहे हैं और बार बार डेरीवेशन करना सही बात नहीं है, ठीक ना, तो एग्जाम में डेरीवेशन थोड़ी करेंगे। तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक ना। कैसे आया होगा एक बार फिर से बता देता हूँ, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, और नॉर्मल इधर लग रहा है और नॉर्मल इधर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा तो आ रहा है इधर एक्सलेशन, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू एन डिवाइडेड बाई मास, तो एम जी साइन थीटा और माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो यह आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बार बार डिराइव नहीं करो, इसको याद कर लो यार, एक्सलेशन की वैल्यू जी साइन थीटा होती है। अब लेंथ एल है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ टाइम के लिए। तो पहले केस में जब टाइम की वैल्यू काउंट करेगा तो टी वन, यू की वैल्यू 0 है, ब्लॉक रेस्ट चलाता 2 एल अपान ए अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ टी वन का जो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, टी वन का स्क्वायर वो 2 एल अपान ए फर्स्ट केस में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली केस टू में अगर तुम देखोगे, केस टू में यहाँ से स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे म्यू की वैल्यू 0 है, तो एक्सलेशन हमें पहले से याद है, स्मूथ सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन पे जी साइन थीटा के इक्वल होगा, ऊपर वाले में रख दोगे तभी भी इतना ही आएगा। तो यहाँ पे जो टाइम टी टू का स्क्वायर आ जाएगा 2 एल एक्सलेशन ए टू आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी लगा दिए। अब अपना कंडीशन लगा दो, टाइम टी वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी टू है, तो टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी टू का स्क्वायर। तो टी वन यहाँ पे देखोगे, टी वन की वैल्यू डालोगे 2 ए जी साइन 45 यहाँ से माइनस म्यू कॉस 45 यहाँ पे, और डी इज इक्वल टू इधर होगा 4 टाइम्स 2 एल ओवर जी साइन 45, ठीक है ना, बराबर है। तो जी ने यहाँ से जी को काट दिया, 2 एल ने 2 एल को ख़त्म कर दिया, तो बचा क्या, जो बचा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो इधर इधर जो बचा वो देखो, इधर जो बचा तुम देखोगे तो यहाँ से देखो 1/√2 और माइनस म्यू बाई रूट टू, और इधर बचा 4/1 यहाँ से √2। तो यहाँ से तुम देखोगे 1/(1 माइनस म्यू और √2, और यहाँ से 4/√2, तो √2 √2 ख़त्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो 4 माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 4 माइनस 4 म्यू दैट इज इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, म्यू की वैल्यू 0.75, इतना म्यू होगा तब जाके वो इस
एक्सलेशन जी साइन 40 से स्लाइड करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।